नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? अभी नमस्ते, मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूँ अम्बेडकर नगर से। वही हाँ, नमस्ते, बताइए। हाँ, कुछ जानकारी लेना था, ये चाहिए था। शिक्षा मित्र कॉलेज प्रखंड चल रहा देखिए, है, क्या कुछ हो रहा, कैसे क्या हो रहा, कुछ जानकारी हम लोगों को कहीं ना मिल पाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े हैं आप? जी, तो क्या समझ में आया? और साथ से तो ठीक है, थोड़ा बहुत देखे थे, बहुत क्लियरिटी तो उसको नहीं देखे थे। ये लोग कह रहे थे मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है, जो ट्रेंड है उनको जो है अस्थाई करेंगे, यही सब बात तो सुनाई पड़ा। लेकिन अभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये लिखा हुआ है कहीं जो नहीं, वो नहीं पढ़े थे, कोई गाइडलाइन कोई भेजा तो इसे पढ़े थे। ना पढ़े हैं ना आप उसको समझे हैं? जिसने भी जो भी कहीं से कुछ कह दिया या किसी का सुन लिए, बस उसी को मान जी लेते हैं। तो ऐसे कितने दिन चलेंगे? अभी एक कल न्यूज आई है कि जी हर महीने जो है टीचरों का टेस्ट होगा, जो सफल होंगे वो रहेंगे, अन्यथा जो है जो फेल होते जाएंगे उनको निकाल दिया जाएगा। तो जो आप पढ़ेंगे ही नहीं, तो जी अब तो नियम कड़े हो रहे हैं। जी जी अब टीचर में चाहे परमानेंट हो चाहे कोई हो, वो तो सब आ जाएंगे ना। जी अभी ये हरियाणा सरकार कह रही है, यूपी में सुपर टीचर लागू हो ही चुका है, तो योगी सरकार भी कल को ये घोषणा कर ही सकती है। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिना पढ़े शिक्षा विभाग में आप नहीं रह सकते। जी वो समय चला गया जब जो है जैसे तैसे कुछ भी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो जी भी बिना पढ़े या पढ़ करके जैसे भी लोग चल रहे थे, सिस्टम चल रहा था। अब वो सिस्टम बदल गया है, काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रही हैं, मानक कड़े हो रहे हैं। तो जी अब चूंकि शिक्षा विभाग में आप आ चुके हैं, तो हैबिट में डाल लीजिए, आदत बना लीजिए कि अखबार रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है, किताबें रोज़ पढ़नी ही पढ़नी है। शिक्षा सर जी, विभाग में मैडम हमारी हैं। कोई भी है, अगर मैडम है तो मैडम के लिए ये सारी चीज़ें हैं। नहीं, पढ़ तो रही हूँ। सुपरिटेंडेंट में भी जो है वो 88 नंबर था, उस वाले में 69,000 वाले में मामला भी हुआ था। अच्छा, तो मैडम जी क्यों नहीं बात कर रही हैं? वो ज़्यादा बेहतर समझेंगी ना हर चीज़ को। जी, आपका नंबर हमको प्राप्त हुआ जो है, तो हमने कहा भैया हम थोड़ा समझ ले, देखें कैसे क्या है। आप भी शिक्षा मित्र हैं? नहीं, हम तो यहाँ इनोवेशन कोचिंग चलवाते हैं फैजाबाद में। अच्छा, चलिए, तो कोई बात नहीं। वैसे मैडम जी जब हैं तो उन्हें ही बात करना चाहिए था, क्योंकि वो बेहतर तरीके से हर चीज़ को जानेंगे समझेंगे, क्योंकि उनसे ही जुड़ा चीज़ है ये। खैर, बहुत सारे लोग नहीं बात कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो शिक्षा विभाग में कोई भी आया है, आप पढ़ा रहे हैं कोचिंग वगैरह, आप भी समझ रहे होंगे कि कितना भी आपको पढ़ाते कई साल हो गए हों, लेकिन कभी कभी या अक्सर ऐसा होता होगा कि आपको जो अगले दिन पढ़ाना है उसको एक जी नज़र हमें से देखना तैयारी पड़ता करनी होगा। होती है। तभी तैयार तो है, आता तो है, लेकिन जब हम एक बार कोई चीज़ देख लेते हैं तो अगले दिन हम थोड़ा प्रभावशाली तरीके से उसे पढ़ा पाते हैं। तो शिक्षा विभाग में कोई भी आया है और ये सोचे कि पढ़ने से मुक्ति मिल जाए, तो ये असंभव है। नहीं, ये पढ़ तो रही पढ़ने हूँ और सर जी। पढ़ाने सर का, पढ़ाई में जो चलिए, है, बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ाई तो पढ़ने परमानेंट वाली ऑनलाइन क्लास वगैरह जो है, मैं स्कूल से आती हूँ फिर जो अपना लग जाती हैं। अभी टेट पास कर पाई हैं या नहीं? नहीं जी, टेट निकल चुका है इनका। अच्छा, प्राइमरी टेट पास हो गई हैं, चलिए अच्छी जी बात है। तो शिक्षा में तो दो तरह के हैं, एक जो टेट पास कर पाए हैं और एक टेट पास नहीं है। अच्छा, जी टेट क्वालिफाइड है, फिर 69,000 में भी इनका 88 नंबर था सुपर टेट में। चलिए, तो अच्छा है। तो मैटर ये था कि वो 40-45 वाले के सिस्टम में मतलब लोग सोच रहे थे, जैसे 68,000 वाला हुआ था, उस समय इनका तबीयत खराब हो गया। तो बहरहाल कोचिंग का वही नोटिफिकेशन वगैरह थोड़ा बहुत हम लोग एसटी वगैरह वहाँ दे देते थे इनको, तो उसी माध्यम से कोचिंग उचिंग जाने को कोई मतलब है नहीं था। विद्यालय यहाँ तो सिस्टम वहाँ दिन भर विद्यालय, तो अपना ही जो है बुक के माध्यम से पढ़ कर टेट निकाली, सुपर टेट की भी तैयारी की थी। चलिए, अच्छी बात है। कोई माध्यम हो, किताबों से पढ़ना तो सबसे सोच रही थी बेहतर है। मतलब 40-45 हो जाएगा, तो उस हिसाब से 100 नंबर करके आई थी जो है, वही 88 इनका हुआ था, तभी हो जाता, लेकिन वही पासिंग मार्क वाला। अब यहाँ पर आपने जो बात कही उस पर जरा ध्यान दीजिए। उन्होंने सोचा कि 40-45 हो जाएगा, उस हिसाब से वो करके आए, आपने कहा अभी। जी तो अब आप बताइए, आप भी पढ़ाते हैं, तो 100 नंबर का अगर पेपर है
और पासिंग मार्क्स अगर 60 नंबर रखा जाए तो बच्चे को आप 60 नंबर टारगेट देंगे या कहेंगे उसे कि 100 पर फोकस करें? हाँ, 100 पर फोकस, 100 प्लस होना यहीं चाहिए। से प्रॉब्लम शुरुआत होती है। हम बराबर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लोगों का भी देखते रहते हैं। कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई विकलांग है, कोई महिला है, वो ये देखती है कि मिनिमम कितना हमें लाना है। वो कट ऑफ को पकड़ के चलते हैं और जितना जो सोचता है उससे थोड़ा कम ही मिलता है, चाहे जी वो किसी फील्ड में कोई हो। लाइफ की बात की जाए, लाइफ में भी हम जितना सोचते हैं उतना नहीं मिलता, उससे कम ही मिलता है। तो अगर 60 है कट ऑफ या पासिंग मार्क और हम 60 का टारगेट लेके चलेंगे तो हम मान कर चलेंगे हम बाहर होने वाले हैं। नहीं और नहीं अगर सर, हम आपने 100 नंबर का पेपर है, 100 को 100 मान लें कि हम चाहे जनरल हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे एससी हैं, चाहे एसटी हैं, हमें इससे नहीं मतलब कि आरक्षण में क्या है क्या नहीं है। 100 नंबर का पेपर है, 100 हमारा लक्ष्य रहेगा, 100 से थोड़ा कम भी आएगा कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं हमारा हो जाएगा। इस तरह नहीं होगा तो आरक्षण वाले में अगर हमारे होंगे उसमें हो जाएगा, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग पकड़ कर बैठ गए हैं कि इतना नंबर हमें बस लाना है, इतना हम ला करके, अब फिर उसके बाद अच्छा जब नहीं आता। सर, विकलांगों के लिए मतलब इसे वर्ग वाइज है, मतलब जैसे कोई भी विकलांग उसका अलग आरक्षण होगा? ये आरक्षण का जो प्राविधान है दो तरह से होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जी ठीक है? तो अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से जहाँ पर जितने पद होते हैं उसके अनुसार हर चीज निर्धारित करते हैं, निकालते हैं। क्या पासिंग मार्क में भी छूट है, जिसे मतलब कि पासिंग मार्क के बाद ही मेरिट वगैरह मिलते पासिंग हैं? मार्क्स में सिर्फ 5% मिलता है। अब वो चाहे विकलांग होने के नाते मिल जाए या फिर ओबीसी एससी एसटी होने के नाते या महिला होने के नाते, जिस भी नाते से, जिस मतलब 5% भी, मिलेगा क्या है? किसी मतलब चाहे हाँ बैकवर्ड आप हो, चाहे मतलब फॉरवर्ड हो, जिस भी कैटेगरी में अच्छा आते हो 5% मिलेगा, इससे ज्यादा छूट का नहीं है। अच्छा पासिंग मार्क में छूट मिलता है। बिल्कुल मिलता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे शिक्षा मित्र, तो वहाँ पर जो भी शिक्षा मित्र टेट पास हैं जी वो तो प्राइमरी में जाएंगे। जी बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं, उनकी संख्या टेट पास वालों की तुलना में ज़्यादा है जो टेट पास नहीं कर पाए हैं। जी जो टेट पास नहीं है उनके लिए रास्ता तैयार करना था, अब वो जी प्राइमरी में जा नहीं सकते थे, जी तो उस गवर्नमेंट ने उसी के लिए 1-2 को प्राइमरी से उठाकर प्री प्राइमरी में कर दिया है, जी ताकि बिना टेट के भी वहाँ पर नियुक्ति दी जा सके अस्थाई। तो जितने भी नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं जो टेट पास नहीं कर पाए या सी टेट नहीं पास कर पाए, सारे के सारे प्री जी प्राइमरी में होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से तरह तरह के न्यूज आते रहते हैं, जी ऐसा नहीं कि वो चीज़ें सिर्फ उसी राज्य में होनी है। जी जो चीज़ किसी एक राज्य में हो रहा है वो सभी राज्यों में होगा, क्योंकि वो पहले अलग सिस्टम था कि अलग अलग राज्य अपने हिसाब से चल रहे थे। अभी जी जो गवर्नमेंट आई है ये पूरे भारत के लिए नीतियां बना रही है और वो सेम नीति हर जगह लागू होगा। जी जैसे कि टीटी लाइफ टाइम किया गया, पहले होता था कि अलग अलग राज्य अपने हिसाब से, कोई 5 साल रखा था, कोई 7 साल रखा था, कहीं कहीं इतने सुनने में आ रहा 2 साल भी थे, यानी कि टीटी दिए और 2 साल, 5 साल, 7 साल अलग अलग था, कहीं कोई राज्य करा रहा है कोई नहीं करा रहा है। तो जी अभी उन्होंने 2021 में टीटी को लाइफ टाइम कर दिया पूरे भारत में, चाहे वो सेंट्रल वाला हो चाहे स्टेट वाला हो, सब के सब लाइफ टाइम, जी और सभी राज्य सरकारों को कह दिया अपने यहाँ लागू कीजिए। जी और अब आगे जो हो रहा है आप देखेंगे कि जैसे बिहार है, उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब हम टीटी कराएंगे ही नहीं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केंद्र भी करा रही है, राज्य भी करा रही है, तरह तरह के विवाद हो रहे हैं। और राज्य जो है क्यों कराए, जब ऑलरेडी केंद्र हर साल 2 बार करा ही रहा है, क्यों अलग से पैसा खर्च करे, क्यों अलग से फॉर्म भरवाए? तो इसलिए राज्य सरकार ने बंद कर दिया। आरटी एक्ट में साफ साफ लिखा है, टीटी में जो नियम बनाए गए हैं कि राज्य चाहे तो अपने यहाँ करा सकती है, अन्यथा वो केंद्र वाला ही अपने यहाँ लागू कर सकती है, तो उसी का जो है लागू अच्छा सर कर जी, सकती जो मतलब ये चल रहा है, मतलब ये जो इतने लोग टेट पास हैं, है। शिक्षा में जितने टेट हैं, ये लोगों को मतलब सहायक अध्यापक के पद पे रखेंगे? अभी तो बताया हमने आपको, तो ये सारे सारे लोग जो भी टेट या सी टेट पास हैं ये प्राइमरी में, और जो टेट सी टेट नहीं पास हैं वो प्री प्राइमरी में। और संविदा अब रहेगा नहीं, परमानेंट होंगे। तो सर जी कब तक, मतलब जिसे मतलब इसका प्रावधान कब तक हो सकता है? 2022 ये जो सत्र चल रहा है, बाईस जी तेईस वाला,
जी ये लक्ष्य रखा गया है कि संविदा इसी सत्र में खत्म करना है। और ये 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसी में है लिखा हुआ कि 2022 तक जो है संविदा खत्म करना है। तो लक्ष्य रखे जाते हैं, कुछ लक्ष्य समय से पहले पूरे हो जाते हैं, कुछ लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो संविदा खत्म करना 2022 तक रखा गया था, लेकिन ये एक ऐसा लक्ष्य है जो कि इतनी जल्दी नहीं हासिल किया जा सकता। तो कुछ लक्ष्य जो है 2022 में होंगे, कुछ आगे होंगे। पहले शिक्षा मित्र मैटर काफी उलझा हुआ है, काफी परेशान है, ये ज्यादा विरोध वगैरह करते रहते हैं, तो इन पर फोकस ज्यादा है, ये पहले किया जा रहा है। बाकी इसके बाद अनुदेशक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, तदर्थ नियुक्ति वाले हैं, तरह तरह के हैं, उनको बाद में किया जाएगा। तो सर मतलब 2-1 महीने में भी मामला मतलब इसका निपटेगा कि वो टाइम लग सकता है? नहीं, इतना जल्दबाजी में कोई काम नहीं होगा, जल्दबाजी वाला काम आप जानते हैं कभी भी सही नहीं होता है। तो सही कह रहे हैं आप। अब तो हम लोगों को सही न्यूज़ मिल नहीं पाती। आज आपका नंबर बड़े भाग्य से मिला किसी माध्यम से। तुमने कहा सर जी से हम थोड़ा बात करेंगे भाई सही जानकारी के। जो भी चर्चा होती रहती है, जो भी आगे चल रहा है या कहीं से कोई जानकारी मिलती है, तो हर चीज़ पर चर्चा किसी न किसी से होती है, वही YouTube पर डाल दिया जाता है, आप सुनते ही होंगे। हाँ, तो सुनते भी हैं। बल नंबर 1 यादव जी थे हमारे गांव में ही, तो आपका नंबर था हमको दिए कि वो सर जी हैं, उनका आता है कई बार। हमने देखा जितनी बातें उन्होंने बताया लगभग सामने सत्य निकली। टेट वाला भी आप बता रहे थे, कहा उसमें भी जो है बताए थे, देखिए सामने पूरा आया, लाइफ टाइम हुआ। और फिर जो आप पोस्ट ऑफ डाले थे हमारे पास भेज रहे थे, कहें देखिए जो डाल रहे हैं वो भी यथार्थ सत्य आगे होगा। सर ने कहा एक बार नंबर दीजिए, थोड़ा सा हम बात कर लें। असल में क्या है, आप जानते हैं कि केंद्र में जब कोई सरकार हो और सेम वही पार्टी राज्य में भी हो तो काम आसान हो जाता है, क्योंकि राज्य सरकार कुछ करना चाहती है तो केंद्र सरकार उसमें टांग नहीं अड़ाती, और केंद्र का कुछ करना चाहती है तो राज्य सरकार उसमें टांग नहीं अड़ाती, सपोर्ट दोनों करते हैं। अब तमाम लोग कहते हैं कि जो है योगी जी चाह नहीं रहे हैं, अखिलेश का किया हुआ भर्ती से स्नातक नहीं करेंगे, ये करेंगे, दुनिया तमाम ऐसे अफवाहें हैं। देखिए, नेगेटिव बात करने वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। जी, सही करें आप। अगर आप नेगेटिव देखना शुरू कर दें तो आपके घर में लगा पंखा वहां पर घर में नहीं लगा होना चाहिए, लोग सुसाइड कर लेते हैं पंखे से, घर नहीं, सही, में पंखा वही नहीं लोग होना चाहिए। तो तो वही लोग कहते हैं, हमने कहा कि ऐसा नहीं बताइए, होता। अब ये बताइए, नेगेटिव पॉइंट निकल के आया ना, इस हिसाब से तो पंखा घर में नहीं होना चाहिए। लोग सही, चाकू घर में रखते हैं, सब्जी वब्जी काटते हैं, गलत है, घर में चाकू रहता है मर्डर हो जाता है, हाथ वाथ भी कट जाता है, घर में चाकू नहीं होना चाहिए, गाड़ी से कहीं नहीं जाना चाहिए, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं। तो तरह तरह जी। के नेगेटिव पॉइंट हैं, अगर हम ये सब देखना शुरू कर दें। अरे बीच में सर बहुत हल्ला किए थे कि जो है अब शिक्षा मित्र को निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम ऐसी भावनाएं देखिए, योगी जी। यहाँ फर्क समझिए, संविदा समाप्त करेंगे, अब इसी को किसी ने अपनी भाषा में बदल दिया, निकाल देंगे। संविदा समाप्त का क्या एक ही तरीका है, निकाल देना? अखबार, ये नई शिक्षा नीति में लिखा है संविदा समाप्त करेंगे, अखबार वाले छाप देते हैं निकाल देंगे, टीवी वाले बोल देते हैं निकाल देंगे, नेताजी लोग जो है भड़काने के लिए बोल देते हैं कि ये निकाल दिया जाएगा। तो तरह तरह के लोग हैं, वो अपने हिसाब से मतलब निकालते रहे। निकालना होता तो सुप्रीम कोर्ट ने जब रद्द किया, फिर रखते ही क्यों, या रद्द हो गया कहानी खत्म, तुम जाओ अपने घर, 10,000 करते ही क्यों 3,500 से। तो नेगेटिव वालों से दूर रहिए, जो नेगेटिव यूट्यूब सोच पे भी रखते सर हैं। तमाम लोग बहुत गलत भी डालते हैं, सुनने मिलता बहुत उल्टा सीधा, लेकिन सब जो है आपको 95% लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और जहां भी गलत चीजें लिखने और शेयर करने वाले मिलेंगे, भड़काने जी वाले, उनको भड़का के पता नहीं क्या मजा मिलता है। और इसमें खास तौर पे हम जो है इनको देखते हैं, जो समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर सपा को सपोर्टर जो है, जी वो हमेशा जो है बस उन्हीं की बात करेंगे, चाहे वो भले कितना भी गलत हो लेकिन उनको सही कहेंगे, बाकी सब गलत है। जी तो खैर छोड़िए, इन लोगों को, नेगेटिव बात करने वाले हर जगह हैं, आज भी नेगेटिव बात करेंगे। अब सर यहाँ विद्यालय में यहाँ पे मैडम है, यहाँ 2-1 लोग शिक्षा में तो बहुत परेशान रहते, लोग पूछा करते, हम लोग कहते भाई जो सही कोई जानकारी मिल नहीं पाती है, ये क्या बताया जाए झूठ है। लोग कहते हैं ये सुन रहे हैं जुलाई में हो जाएगा, अगस्त तक हो जाएगा। अच्छा, हम एक चीज बताइए, एक परिवार है, हस्बैंड वाइफ हैं, 2-4 बच्चे हैं, जी वाइफ जो है बिल्कुल घरेलू है, न पढ़ी है न लिखी है, न कोई काम धंधा उसे आता है,
और बच्चे छोटे हैं, सिर्फ जो घर का मुखिया यानी कि जो पति है उस महिला का, वो कमाने वाला है, अचानक किसी दिन मृत्यु हो जाए तो अब घर में तो कमाने वाला कोई बचा नहीं। तो उसके घर अगर आप जाएंगे तो उससे क्या कहेंगे, तुम्हारा पति मर गया, कोई कमाने वाला नहीं है, अब तुम लोग का कुछ नहीं होगा, तुम लोग की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये कहेंगे आप? नहीं, उसको सांत्वना दिलाना चाहिए, देना चाहिए लोगों को। सांत्वना हम क्यों देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अभी ये समस्या तत्काल रूप से आई है और ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बाकी जो घर के सदस्य हैं वो ऐसा नहीं है कि अब उनकी लाइफ चलनी बंद हो जाएगी, चलेगी। अब यह है कि उन्हें खुद ही हर चीज करना पड़ेगा, है ना, इसलिए हम उन्हें सांत्वना देते हैं। पड़ोस वाले रिश्तेदार जो भी हैं सब लोग सांत्वना देते हैं कि हिम्मत देंगे, धीरे धीरे ये लाइफ में अब आगे बढ़ेंगे। और होता भी यही है कि लोग जो है फिर आगे बढ़ जाते हैं और लाइफ धीरे धीरे पटरी पर आ जाती है, होता है ना। नहीं, सही कह रहे हैं सर। और अगर वही हर कोई जो है, जो भी आए, पड़ोसी हो चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, और यही कहना शुरू कर दे कि तुम्हारा पति मर गया, तुम्हारे बच्चे भूखों मर जाएंगे, तुम भूख, सिर्फ इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दें, उसके दिमाग में भरना शुरू कर दें, उसका क्या हाल होगा उस परिवार का? सर जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? अच्छा हम बनारस से हैं। सर, बनारस, वहीं आपका प्रॉपर मकान ही है। तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर हम पॉजिटिव बात करेंगे तो धीरे धीरे चीजें जो होनी है उस पर तो हमारा कमांड नहीं है, जो हो चुका है, लेकिन सामने वाले के दिमाग में जैसी चीजें भरेंगी उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। तो नेगेटिविटी फैलाने वालों से दूर रहिए, ये वही लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं, लोगों का भला नहीं चाहते हैं, बनेंगे ही तय, लिखेंगे खूब मीठा मीठा, लेकिन वो भला नहीं चाहते हैं तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं, उनको छोड़िए। गवर्नमेंट क्या की क्या कर रही है उस पर ध्यान दीजिए। तो जी जहां जहां पर, चूंकि केंद्र में इस वक्त बीजेपी है, अपने यूपी में बीजेपी है, तो हम जी बात करते हैं बीजेपी सरकार की, वर्तमान सरकार की। जब अखिलेश सरकार थी, आप उस समय के अगर हमारे पोस्ट या कुछ भी उठा कर देखेंगे तो हम अखिलेश सरकार की बात करते थे, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे। अभी जो सरकार, हम उसकी बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये बीजेपी वाले हैं। जो जी रहेगा कुर्सी पर, जिसको करना है, उसी की तो बात की जाएगी। नहीं, सही भाई, अगर हम करेगा आज, कौन? अगर हम और आप आज मायावती जी की बात करें, क्या वो कुछ कर सकती हैं? नहीं राहुल गांधी की बात करें, वो कर पाएंगे कुछ? नहीं कुछ नहीं हो अखिलेश पाएगा। यादव जी कुछ कर सकते हैं? नहीं, तो जो है ही नहीं सत्ता में, उसकी बात करके क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। हाँ, जो वो करके चले गए हैं गलत सही, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। उनके पास हम जाएंगे अपनी मांग लेकर के भी, तो वो तब भी कुछ नहीं कर सकते। अगर अभी उनके ऊपर कोई एक आदमी कोई जो इल्जाम लगा दे, पुलिस पकड़ के ले जाए, तो वो अपने लिए नहीं तुरंत कुछ कर पाएंगे। अच्छा सर जी, जो ये जून वाला, मानदेय वाला लोग बात करते हैं, शायद 15 दिन का इसमें फिर ऐड किए हैं, एक तो मतलब अलग से किए हैं ना, कि मतलब उसी क्या स्थिति को सब। सरकारी विभाग में आप एक दिन काम करेंगे तो एक दिन का आपको जो भी मानदेय या वेतन या जो भी है वो मिलना मिलेगा। आप जी 15 दिन आप गए हैं तो 15 दिन का मिलेगा, ये तो फिक्स है। संविदा का मतलब होता है दिहाड़ी मजदूरी, एक तरह से सीधा सीधा शब्दों में, आसान शब्दों में दिहाड़ी मजदूरी। संविदा वाले जितने दिन काम करते हैं उतने दिन का उनका वेतन बनता है। यहाँ तो कम से कम ये है कि महीना या आधा महीना जोड़ रहे हैं ना, नहीं तो आप चले जाइए केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, वहां दिन के हिसाब से जोड़ा अबकी जाता तो सर दिए हैं, कभी देते नहीं थे ना, अबकी बार तो पहली बार दिए हैं ना। है। तो मिला, ये पॉजिटिव है, क्या हाँ, तो नहीं मिला वो छोड़ दीजिए। अबकी बार मिला, वही खुशी की बात है, मतलब पॉजिटिव है कि तो अब की जी। बार ही तो पहली बार ऐसा हुआ कि बुलाया गया है पहले से, नहीं तो इसके पहले कहाँ जून में बुलाया जा रहा था? जून में जाते थे 15 दिन से? नहीं, नहीं ना, तो ये सब चीजें बदल रही हैं, सिस्टम है, कभी कुछ होता रहता है। तो कुल मूल मुद्दे पर आइए, और वो ये देखिए कि केंद्र में बीजेपी है, इसलिए जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां जी वहां पर सब कुछ पॉजिटिव होगा। जैसे उत्तराखंड एक उदाहरण ले ले, वहां पर जितने भी टेट पास शिक्षा में जैसे जैसे टेट पास करते गए हैं, उनको स्थायी करते गए, तो वहां से क्या पॉजिटिव निकल के आया कि वहां टेट, वहां पर उन्होंने सरकार का विरोध नहीं किया, वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम टेट पास नहीं करेंगे, हमको ऐसे ही कीजिए, वो टेट पास करते गए, वहां की सरकार करती गई। तो कौन सी सरकार है वहां जो की? बीजेपी है। और वहीं जी उसके उल्टा, जबकि शिक्षा में चाहे उत्तराखंड के हो चाहे यूपी के, एक साथ ये ज्वाइन किए थे, उत्तराखंड तो बाद में राज्य बना है, जी लेकिन वहां देखिए हो गया। एक तो वहां पहला छोटा सा राज्य है, संख्या कम है शिक्षा मित्रों की, खैर यूपी में भी हो सकता था, लेकिन यूपी के शिक्षा मित्र कुछ ज्यादा ही ज्ञानी हैं,
इसलिए ये चले गए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, अपने इसमें पैर पर नेता ज्यादा कुल्हाड़ी हो मार गए लिए, इसमें नेता ज्यादा हो गए, और जी। इन नेताओं से भी बड़े एक नेता जी आ गए, वो अवैध सब कुछ कर डाले, तो इस कारण से यहाँ पर सारी चीजें लटक गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट ने वो कर लिया, अब कोर्ट से तो कुछ मिलना नहीं है, जो होना था वो हो गया, गवर्नमेंट को ही हर चीज करना होता है, गवर्नमेंट रास्ता बना रही है, जैसे उत्तराखंड में हुआ है वैसे यूपी में भी होगा, अन्य राज्यों में भी होगा, और उसी तरफ बढ़ रहे हैं, चूंकि ज्यादातर शिक्षा में चाहे यूपी की बात करें चाहे उत्तराखंड की, कहाँ कहीं की भी, तो जो टेट पास नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए रास्ता तो कहीं ना कहीं तैयार करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जैसे एक बाप के दो बेटे हों तो एक को ही सब कुछ दे दें दूसरे को न दें, शिक्षा मित्र को ही जो है सब कुछ दे दें, बीएड बीटीसी डीएलएड अन्य वो भी तो हैं, वो भी तो विरोध करते हैं, तो ऐसा वही तो मतलब नहीं। कि जो है टेट वालों को जो है सहायक अध्यापक बनाएंगे चाहे किसी भी हाँ, मस्ट। तो अगर जो टेट पास नहीं कर पा रहे थे शिक्षा मित्र, अगर उन स्पेशली उन्हीं को छूट देते तो फिर ऐसे बहुत सारे बीएड बीटीसी डीएलएड है विरोध करते, तो इन्होंने क्या किया, 1-2 को उठा करके प्री प्राइमरी में डाल दिया, भाई इन्हीं लोगों के प्राइमरी साथ में, हाँ अब वहां पर टेट वाली दिक्कत ही नहीं है, अब भाई प्री प्राइमरी में आप चले जाइए बड़े आराम से, वहां काम हो जाएगा, तो ये प्री प्राइमरी में इसीलिए किया गया है। हाँ भाई दिमाग से काम कर रहे हैं ना कि प्री प्राइम, अगर ये प्री प्राइम भाई जब ये नहीं लोग समझ पा रहे हैं अंदर की बात, प्री प्राइमरी इसी नाते तो की मतलब कि प्री प्राइमरी कर देंगे, इसमें लोगों का भी हाँ कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने पकड़ा कि दिमाग से काम कर रहे हैं कि जो और प्राइमरी नियम में है, जो है भाई बिना टेट के तो आप रह नहीं सकते। हाँ वहाँ नियम बन चुका है टेट का, तो अब उस नियम को बदलेंगे तो फिर बीएड बीटीसी डीएलएड भी तो है वहाँ, सर फिर एक बार वो था कुछ मतलब हालांकि जुलाई वुलाई से प्री प्राइमरी चलेगी या क्या कैसे था, लेकिन प्री बीच में कुछ आया प्राइमरी था। चलने की बात थी और वो शुरू हो चुका है, 1,87,000 प्री प्राइमरी स्कूल बनेंगे, ये जितने भी आंगनबाड़ी हैं 1,87,000 उनको प्री प्राइमरी कन्वर्ट किया जा रहा है, जी क्योंकि 1,87,000 को एक साथ संभव नहीं है, जी जैसे 1,58,000 प्राइमरी स्कूल हैं और इनको फर्नीचर देना था तो 25-25,000 स्कूलों को एक एक साल करके दिए हैं, 5 साल, तो 1,25,000 स्कूलों में फर्नीचर धीरे धीरे पहुंच चुका है, तो ऐसे ही 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, इन सबको प्री प्राइमरी में कन्वर्ट करना है, इतना बजट नहीं होता है कि एक साथ कर दें, जी अभी जो है हर जिले में थोड़े थोड़े आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा सर आपके मानक से मतलब कितना टाइम लग सकता है जैसे। देखिए एग्जैक्टली कोई भी चीज किस तारीख को होगा, किस समय पर नहीं होगा, तारीख की बात हम नहीं कर रहे हैं, जैसे सही है कि आपका गेस तो सही है वो तो जितना सुना गवर्नमेंट को गया। करना है, अब आपके मन में क्या चल रहा है, किस दिन आप जो है साइकिल खरीदने वाले मोटरसाइकिल किस दिन, ये तो नहीं को बता सकता, हाँ लेकिन अगर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज खरीदने की सोच रहे हाँ हैं। वही मतलब जैसे पूछ रहे हैं कि जैसे मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, चलो हम लोगों से भी पूछते रहते हैं, हम लोग इसे तो बताने के अभी लिए कुछ देखिए ये स्कूल जो है जुलाई जून से खुल चुके हैं, अभी स्कूलों में नामांकन चल रहा है बच्चों का, 15 जुलाई तक चलेगा, जी। 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, जो कि गर्मी छुट्टियों के पहले जो है 1,80,00,000 हो चुका था, अभी 2 करोड़ पहुंचाने के लिए और प्रयास किया जा रहा है। अब इसके बाद जो है एक ट्रेनिंग हो रही थी एफएलएन वाली, जो कि सभी जिलों में नहीं हो पाई है, अभी कुछ जिलों में बाकी है, तो हमारी जानकारी में जो है कि जिन जिलों में हो चुका है वहां पर प्री प्राइमरी में ले जाने का काम शुरू करेंगे अब, और जिन जिलों ये में सर नहीं हो जो पाया है, 4 DSE ट्रेनिंग कर करवाए थे क्या, हाँ तो ये ट्रेनिंग चूंकि अभी बहुत से जिलों में नहीं हो पाया है, ये अपने क्या तो हो गया 4 DSE ट्रेनिंग सुन के अच्छा अपने क्या। तो हो गया है तो वहां पर हो सकता है कि पहले शुरू कर दें, और जिन जिलों में अभी नहीं हुआ वहां होने के बाद, या हो सकता है कि जिन जिलों में नहीं हुआ है वेट करें, वहां पर भी कंप्लीट कराने के बाद तब आगे बढ़ें, तो तब भी आप पकड़ के चलिए कि जुलाई में नामांकन वगैरह चल रहा है, जुलाई के बाद अगले 1-2 महीने के अंदर शुरुआत हो जाएगी, अगस्त सितंबर में देखने को मिल सकता है, घोषणा होगी जैसे ही आएगा सामने अखबारों में आ जाएगा, ठीक है, अब आप पढ़ते जी ही होंगे। जी तो बाकी आप YouTube से अगर जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो YouTube पर सर्च कर लीजिएगा, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जिस नंबर पर कॉल की इस नंबर मैसेज कर दी तो आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, ग्रुप से जुड़े रहिए, लेटेस्ट जानकारी लेते रहिए। नहीं सर जुड़ जाएंगे इसमें हम जो है बहुत अच्छी, हमको बताने लगे थोड़ा जानकारी था, एक यादव जी है मतलब करके बताने लगे आपके विषय में काफी बात।
कि हमने बहुत यूट्यूब देखा है, उसमें कौन से जानकारियां भी। कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, कौन नेताजी क्या कह रहे हैं, नेगेटिव बातें छोड़ दीजिए, आप सिर्फ फोकस कीजिए गवर्नमेंट, क्योंकि सर्वे सर्वा वही है, करने वाले वही है, उन्हीं के करने से होगा, बाकी किसी के चाहने या किसी के करने से कुछ नहीं होने वाला है, कोई और दूसरा कुछ नहीं कर सकता, जो कुर्सी पर होगा वही करेगा। यही मूर्खता करते हैं शिक्षा मित्र, कि बार बार जो है चाहते हैं आज ही हो जाए, उस चक्कर में धरना ये वो उल्टी सीधी चीज करने लगते हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होता है बल्कि और अपना नुकसान कर लेते हैं कहीं ना कहीं। पर तो एक दिन एक लोग कहने लगे कि वो शिव कुमार शुक्ला जी थे, गए थे वहाँ धर्मेंद्र प्रधान के पास जो है, प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, वहाँ आश्वासन मिला कि जो है आप लोगों की प्रक्रिया चल रही, फाइल तैयार है, जल्द ही आप लोगों का निदान हो जाएगा, सब इसी की बातें हैं। ये बताइए, जिनका नाम आपने लिया वो क्या वो अपने थाने में चले जाएं, क्या थाने वाले उनको बता देंगे हम क्या क्या करने वाले हैं? छोटा सा थाना भी नहीं बताएगा, तहसील में चले जाएं, अपने बैंक में चले जाएं, कहीं चले जाएं, वहां बैठा कोई भी अधिकारी अगर उनका बहुत खास नहीं है, क्या वो बताएगा विभाग में क्या क्या चल रहा है, क्या फाइल इनको खोल के दिखाएगा? बिल्कुल नहीं बताएगा। तो कोई जब अपने आसपास जाएगा वहां पर भी लोग नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि ये विभागीय चीजें हैं, गोपनीय चीजें होती हैं। तो अब आप सोचिए, ये जा रहे हैं केंद्र सरकार से संबंधित विभाग में, सीधे पहुंच जा रहे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पास, वो क्यों हर चीज बताएंगे? उन्हें जो बताना है वो विभिन्न माध्यमों से बताते रहते हैं, उन्होंने नई शिक्षा नीति में सब कुछ लिख दिया है, उसको आपको पढ़ना है और समझना है, अखबारों में आता रहता है। तो ठीक है, गए होंगे, सांत्वना मिली होगी, लेकिन इंसान किसी के जाने मिलने सांत्वना से कुछ नहीं होता है, जिसको जो काम करना है वो करेगा ही करेगा। अगर आपने सोच लिया है कि हमें घर में अपने एक अच्छा मोटा सर, ये एक हमारा गेस्ट कर रहा है कि जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, हो सकता है तब कि सितंबर तक भी जो है कर सकते हैं, क्योंकि दे सकते हैं इसमें गिफ्ट के रूप। देखिए, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, ये सब आते जाते रहते हैं, गवर्नमेंट की जो अपनी नीतियां हैं, प्लानिंग है, वो अपना करती है। अगर उन्होंने प्लान पूरी तैयारी कर ली है, अब सारे जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं कंप्लीट है, तो एक दिन वो कोई तय किए होंगे, हो सकता है 5 सितंबर ही तय किए हों, हो सकता है 2 अक्टूबर तय कर लिए हों, जो भी जैसे भी होना है, अब होना है, फाइनल है। हाँ, 2 4 महीना चाहिए, इतना टाइम मतलब लग जाए। कुल मिलाकर के ये मानकर चलिए कि 2022 में परमानेंट हो जाएंगे, चाहे वो नॉन टेट वाले शिक्षा मित्र हों तो वो प्री प्राइमरी में, वहाँ पर प्री प्राइमरी में जाएंगे, 35-40 हज़ार वहाँ मिलने लगेगा, जो भी वहाँ का वेतनमान रखा जाएगा आएगा सामने। और जो प्राइमरी में जाएंगे तो वहाँ तो जानते ही हैं आप, 40-42-45 हज़ार रुपये मिलता है, तो दो हज़ार जी बाईस में हो जाएंगे, और प्रक्रिया जो है आने वाले 1-2 महीने में शुरुआत हो सकती है। ठीक है, और जी बाकी न्यूज आता ही रहता है, शेयर किया जाता है, अलग अलग राज्यों में कहीं से कोई न्यूज आ रहा है तो उस नहीं, न्यूज पर भी ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं होता है। हाँ, बस ये है कि वो राज्य, त्रिपुरा वाला भी डाले थे, त्रिपुरा वाला भी हाँ, आया था देखे। तो ये होता है कि कहीं न, जैसे मान लीजिए सुबह हुआ, खाना तो सबके घर बनेगा ये तो पता है, किसी के घर पहले बनेगा, किसी के घर थोड़ा बाद में बनेगा, यही होता है ना सामान्य तौर पे। तो ऐसे ही जो चीजें होनी है तो वो सभी राज्यों में होनी है, क्योंकि केंद्र सरकार करा रही है, तो कोई राज्य पहले करेगा, कोई बाद में। जैसे टीईटी जब लाइफ टाइम हुआ तो लाइफ टाइम की घोषणा केंद्र ने कर दिया, सबसे पहले बिहार ने अपने यहाँ कर दिया, बिहार के बाद यूपी ने भी कर दिया, ऐसे ही धीरे करके कुछ और राज्यों ने कर दिया, बहुत सारे राज्य अभी भी नहीं किए हैं, क्योंकि अरे सर, कुछ लोग इतना निगेटिव बोल जाते हैं, देखते हैं कुछ लोग हैं यहाँ पे जो है परेशान हो जाते हैं। हम लोगों तो कुछ, बहरहाल हम लोग तो देख रहे हैं, मैडम यहाँ थी जो है, हम लोग अयोध्या में, आप साउथ यूनिवर्सिटी है तो उसी के सामने हमारा फर्स्ट ब्रांच है, हमारा 4 ब्रांच फैजाबाद में है, 3 लाइब्रेरी कंपटीशन अच्छा। की हम लोग जो है चलवाते हैं। तो हम लोगों को मतलब कोई दिक्कत ना थी, इनकी पढ़ाई लिखाई थोड़ा ठीक थी, हमने कहा कि चलिए बाद में जो अपना निकाली उकाली, फिर जो है छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 8 साल 9 साल का, पढ़ाई उड़ाई के समय तो बच्चों में घर पे भाई कुछ बढ़ जाता है, लेकिन तब भी पढ़ाई को प्रथम वरीयता देती है। तो नेगेटिव बात करने वालों को छोड़ दीजिए। देखिए, अभी एक योजना गवर्नमेंट लेकर आई है फौज में, सेना में भर्ती होने का, जो पुरानी प्रक्रिया है, जो पुरानी भर्ती जैसे होती थी वो सब तो वैसे ही, उनमें तो कुछ बदलाव किया नहीं गया है। जी एक नई योजना लेके आई है गवर्नमेंट, अग्निवीर।
अब आप बताइए, आप बता रहे हैं कि आप कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, जी सबसे कम उम्र का बच्चा अब तक आपके पास जो आया हो उसकी उम्र कितनी थी, एक और लगभग बताइए क्या रही होगी सबसे कम उम्र वाला? अब सबसे कम उम्र वाला मान के चलिए 18 19 20 से पहले मतलब कोई मतलब है नहीं है। 19-20 से पहले बच्चा आपके पास नहीं आता है, 19-20 21-22 में बच्चा आपके पास आता है कंपटीशन जी तैयारी जी करने, यही ना, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो। अब यहाँ पर एक योजना आई जिसमें कि 17 वर्ष, 17.5 वर्ष से ही लेना शुरू कर रहे हैं। जी अगर कोई बच्चा है उसकी उम्र जैसे ही 17, 17.5 वर्ष होती है वो उसमें चला गया, 17 से 21 वर्ष का रखा गया है ना उसमें, जी 17.5 से, तो इस उम्र में लोग आपके पास आते हैं तैयारी शुरू करने, और भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो वही जानते हैं, और जो तैयारी करते हैं अपना पैसा खर्च करते हैं सब कुछ अपना लगाते हैं, और वहाँ पर वो 17-18 वर्ष की उम्र में ही एंट्री मार जाएंगे, और 4 साल के अंदर पूरी ट्रेनिंग भी कर लेंगे, पैसा भी लेते रहेंगे सैलरी, और सब कुछ, घर से 1 रुपया नहीं मांगना है। आपके पास जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो सब घर पर डिपेंड होंगे, जी कमाते नहीं होंगे, उस उम्र में कोई कमाता नहीं है, और जिस उम्र में आपके पास बच्चे आ रहे हैं घर पर डिपेंड हैं उस उम्र में वहाँ पर 4 साल की जो है सर्विस करके, ट्रेनिंग ले करके, लाखों रुपए कमा करके तब वो बाहर निकल आएंगे, और इतना ही नहीं गवर्नमेंट उसके बाद उनको कहाँ कहाँ लिया जाए, उनको कौन कौन से आरक्षण देने, इस पर भी आगे बहुत सारी चीजें तैयार करी, अलग अलग राज्य अपने यहाँ घोषणाएं कर रहे हैं। अब इसमें पॉजिटिव देखने वालों के लिए तो पॉजिटिव है कि समय से पहले बहुत सारी चीजें होने लग रही हैं, जिस उम्र में घूमते हैं डिग्रियां कागज बटोरते हैं उस उम्र में वहां पर 4 साल के कोर्स या ट्रेनिंग या जो कह लीजिए वो करके निकल आएंगे, तो पॉजिटिव देखने वालों के लिए तो पॉजिटिव है, नेगेटिव देखने वालों के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो तरह तरह का नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ देख लीजिए, कितना जो है पूरे देश में ट्रेन वगैरह फूके गए, क्या क्या हुआ, तो नेगेटिविटी फैलाने वाले हर जगह हैं। अच्छा, जो नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं, जब मीडिया उनसे बात कर रही है तो उनको तो पता ही नहीं है, ये फौजों से कोई लेना देना ही नहीं है, भैया फलाने हमको बोले थे या वो हमको पैसा दिए थे इसलिए हम आए हैं धरना देने। अच्छा सर जी, आप तो नई शिक्षा नीति मतलब ये चीज है ना कि जो टेट पास है मतलब ऐसा है कुछ कि हमने हर चीज जो भी बताया है अब तक उससे संबंधित जो प्रमाण हैं वो भी हमने शेयर किया, हम कुछ भी अपने मन से तो नहीं कहते हैं, हम जो भी चीजें हैं प्रमाणिक तौर पर जो लिखित में हैं उन्हीं की बात करते हैं, कुछ चीजें हम समय से पहले बता देते हैं और वो होती बाद में है, और कुछ चीजें सामने हैं लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो चीजें हम दिखाते रहते हैं, तो प्रमाण तो हम सबका देते हैं, हम इतने समय से कह रहे हैं वर्षवार नियुक्ति होगी, कोई मान्यता नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, त्रिपुरा ने कर दिया कि नहीं कर दिया, कितना छोटा सा राज्य है वो, किया कि नहीं किया अपने यहाँ, तो यही है कि लोग जो है मानने को तैयार नहीं होते हैं, कारण क्या है, नेगेटिविटी उनके अंदर भरी है, फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, तो फ्रस्ट्रेटेड इंसान या नेगेटिव सोच वाला इंसान कहाँ ये सब देख पाएगा। उसके दिमाग में तो कुछ उल्टा सीधा ही चलता है। तो ऐसे लोग खुद भी जो है समस्या है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी, ऐसे लोग न, हम तो कहते हैं कि सिस्टम में न ही रहें तो बेहतर है, ये लोग हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे, और गवर्नमेंट जितनी कड़ाई कर रही है सही कर रही है, ऐसे लोग जो है घर बैठे वो ही अच्छा है जो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं और हर समय हर चीज़ का जो है गलत ही बताते रहते हैं। चलिए, तो थोड़े समय की और बात है, जैसे ही घोषणा होगा ये भी सामने आ जाएगा, हाँ ठीक जल्द मतलब खुशियों का दिन आने वाला है। 2 4 महीना क्या कब लग गया। है, अरे बस जल्दी ही आ जाएगा, अभी इतने समय से हम लगातार बता रहे थे, कह तो रहे हैं, अब देख लीजिए उठा करके त्रिपुरा वाला न्यूज, अब वो न्यूज हम तो बना नहीं रहे हैं, वहां पर तो न्यूज हर जगह छाया हुआ है, कोई गूगल जी करके जी पढ़ सकता है, जब उतना छोटा सा राज्य वहां कर रहा है, इस वर्ष टीटी हुआ नहीं है, आप तो माना गया कि बात तो वही बता, सुबह हुआ तो हमने कहा कि बताने लगे कि जितनी बातें वहां से हुई सब तो हमने कहा आज भैया का नंबर दीजिए हम थोड़ा बात कर लें, हम भी थोड़ा संतुष्ट हो जाए इस मैटर से। चलिए, चलिए मतलब 2 3 महीना हो सकता प्रभु की माया हो, जो है जुलाई ज्यादा जुलाई समय नहीं चल ही रहा। लगेगा, हमें उम्मीद है कि ये 2 करोड़ नामांकन पूरा हो जाने के बाद, चालू चूंकि हो जाएगा। स्कूल, हाँ स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है, स्कूलों में सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, और हर कक्षा में एक शिक्षक देने की योजना की घोषणा कर चुके हैं, आपकी जो मैडम जी जहाँ पढ़ा रही होंगी उनसे पूछिएगा कितनी कुल कक्षाएं हैं और शिक्षा मित्र को मिलाकर कुल कितने अध्यापक हैं वहाँ,
तो हर कक्षा के लिए शिक्षक वहाँ अभी भी नहीं होंगे, तो वो सारी योजनाएं चल रही हैं हर कक्षा के लिए एक शिक्षक और हर कक्षा के लिए अलग कमरा, कमरे भी अभी नहीं हैं हर कक्षा के लिए, एक साथ बैठ रहे हैं बच्चे, तो वो सब योजनाएं लोग पढ़ते नहीं। अखबारों में सारी योजनाओं पर जो है विस्तृत चर्चा आती रहती है, गवर्नमेंट कितना बजट जारी की है किसी योजना के लिए, लेकिन लोग पढ़ते ही नहीं है और फिर बाद में कहेंगे गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। तो ठीक है, नहीं नहीं बस सही कह रहे हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो न्यूज अखबारों में आते हैं उनमें पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव न्यूज पढ़ते रहिए, वही पॉजिटिव। 2 करोड़ सर पूरा होने के बाद तो मतलब वही स्टार्ट करेंगे। हाँ, 2 करोड़ लक्ष्य अभी जो चल रहा है इसी के बाद। भाई आपके कोचिंग में बच्चे रहेंगे तभी तो आप पढ़ाएंगे ना, नहीं नहीं सही आप कह रहे हैं, बच्चे बिल्कुल सही जैसे जैसे बोल आपके कोचिंग में बढ़ेंगे तो आपका कोचिंग वाला अपने यहाँ टीचर संख्या बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? भाई। इधर टीचर लोग प्रयास किए, 15 से भाई खुला, 15 दिन का टाइम था, 15-17 दिन विद्यालय खुले हुए, और पूरा जुलाई भी लग सकता है भाई पूरा होने में। 15 जुलाई लक्ष्य रखा गया हो, अगर मान लीजिए थोड़ी कमी रहती है 15 की जगह जुलाई पूरा ले लेंगे। हाँ वही कह रहे हैं, जुलाई पूरा ले लेंगे, अगस्त से प्रक्रिया चालू कर देंगे, हो जाएगा सितंबर तक तो चाहे ऐसे। वो अब जुलाई के अंत में शुरू कर दें, चाहे अगस्त में, चाहे सितंबर में, जब भी अब होना है वो फिक्स है, होगा ही होगा। ठीक है, चलिए फिर रखते हैं। चलिए सर, आपसे बात तो कब कर लिया करें, जैसे कभी मतलब व्यस्तता व्यस्तता आपको रहती रात को उतने की जैसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए रखते हैं फिर। ठीक सर, नमस्ते। नमस्ते।